गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीपी ब्यूटी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये फोर टाइप ऑफ आईब्रोज एंड आप बेसिक से लेकर बूजी आईब्रोज ड्रॉ कर सकते हैं विद सिंपल इजी स्टेप्स। सो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे बेसिक प्रोडक्ट्स बता देती हूँ कौन कौन से लेने हैं। ये शिमाना का न्यूट्रल पैलेट है। इसमें आपको बहुत अच्छे शिमर शेड एज वेल एज ब्लैक शेड एंड ब्राउन शेड मिल जाएंगे जो ब्राउ फिलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं ब्रशेस दिखा रही हूँ कि कौन कौन सा यूज़ करूँगी मैं। वो लाइनर ब्रश था, मैंने अमेजोन से लिया था। देन फोकलर का ये पैकर ब्रश है, ये मैंने लिया है। फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, ये भी मैंने अमेजोन से लिया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत बेसिक और बहुत ही अफोर्डेबल है। ये फ्लैट कंसीलर ब्रश है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है मिस रोज़ का ब्राउ टैटू, और ये मेबलिन में भी आता है, आप ले सकते हैं। ये जेल सॉर्ट ऑफ फिनिश में आता है और ये मैट फिनिश में हो जाता है, तो ये ब्राउ फिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आई एम इन द शेड 04 एंड यहाँ पे मैंने लिया है डायनामिक आई लाइनर, स्केच आई लाइनर फ्रॉम MN। ये भी आपका अंडर 200 आ जाता है। एंड ब्राउज को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ कंसीलर एंड फाउंडेशन दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अपनी स्किन के चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने शुगर का फाउंडेशन लिया इन द शेड 30 चोकोचिनो, एंड वेट एंड वाइल्ड का मैट फिनिश फाउंडेशन है, दिस इज इन द शेड डेजर्ट बेज। एंड ब्राउज को कंसील मतलब क्लीन लुक देने के लिए यहाँ पे आप चाहे तो मेकअप वाइप्स भी ले सकते हैं या क्यू टिप एंड माइसेलर वाटर भी ले सकते हैं। एंड दिस इज एडिशनल प्रोडक्ट क्योंकि आई शेडो में ऑलरेडी हाईलाइटर था, ये इन कलर्स का हाईलाइटर है तो आप ये ले सकते हैं। एंड दैट वॉज द प्रोडक्ट लिस्ट। एंड आप अपने स्किन की चॉइस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लेना जो आपको सूटेबल लगे और एंड अफोर्डेबल लगे। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो पिक किया है इस लाइनर ब्रश पर, और मैं हल्की सी ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब जो आईब्रोज की शेप होती है मैं उसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। एंड ये थोड़ा सा ऐसा फ्रॉग लेग की तरह लग रहा है, आई नो, बट ड्रॉ करने के बाद आपको अपनी जो भी हार्श लाइन है उससे पहले अच्छी तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है यही फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश से। एंड सबसे आईब्रो के सबसे आगे में मैंने, आप देख रहे हैं, सबसे लाइटर शेड लिया है, मिड में मैंने डार्क शेड लिया है, एंड ब्राउज की टेल पे जाते जाते आपको सबसे डार्कस्ट शेड या तो डार्क ब्राउन होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। आप लेके आपस में तीनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे आगे की तरफ की जो एक अच्छा सा ओम्ब्रे इफेक्ट आए उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट शेड है बिल्कुल स्किन के कलर के जैसा ही, तो वो मैंने आगे की तरफ अप्लाई करा है, उसे ब्लेंड कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन आउट कर रही हूँ माइसेलर वाटर एंड क्यूटिप की हेल्प से। एंड यहाँ पे हम अच्छे तरह से अपनी आईब्रो को क्लीन आउट कर लेंगे। ये बेसिक आईब्रो है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में हो जाती है। यहाँ पे मैं कंसील कर रही हूँ फाउंडेशन से। इफ़ यू वांट यू कैन टेक कंसीलर, तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एंड आपको इसी तरह से कंसील करना है। एंड ये कंसीलर ब्रश जो है मैंने अमेजोन से लिया था या फ्लिपकार्ट से, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई नो बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं ब्रशेस पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड आप याद रखना कि जहाँ पे भी आईब्रो ड्रॉ करिए उसके आगे वाले पार्ट में नहीं करना है आपको कंसील फाउंडेशन से, सिर्फ ऊपर और नीचे करेंगे तो ये ज़्यादा नेचुरल फिनिश देगा आपको और एक ओम्ब्रे इफेक्ट देगा और एक अच्छा सा डिफाइन लुक देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लेंड करने के लिए फाउंडेशन को फ्लैट फाउंडेशन ब्रश लिया है। एंड आईब्रोज का जो हाई पॉइंट होता है, हमारा ब्राउ बोन जो बोलते हैं, उसको 3D इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने स्पंज एप्लीकेटर लिया है। उससे मैंने सेम पैलेट में से मैंने शैम्पेन शेड था वो अप्लाई करा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा डिफाइन और उठा हुआ सा 3D लुक देगा जो एक्चुअल आईब्रोज में होता है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट आईब्रो रेडी विदाउट किसी भी परेशानी के। सो यस, सेकेंड आईब्रो के लिए मैं ले रही हूँ डायनामिक स्केच लाइनर फ्रॉम MN, एंड ये अच्छी तरह हेयर स्ट्रोक्स बना देता है। यहाँ पे बेसिक मैंने स्टार्ट करा है सेम
आईब्रोज के शेप से। एंड आपको याद रखना है सबसे जो टेल पे आएगा वो ब्लैक शेड, मिड में डार्क ब्राउन और सबसे आगे लाइटेस्ट ब्राउन। तो आपको इसी वे में ही आपकी आईब्रोज करना है। एंड यहाँ पे मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ। आप मैंने पहले फ्रंट टू बैक पे गई थी, अब मैं बैक टू फ्रंट पे जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने टेल को अच्छी तरह से फिल करा, कलर्स को आगे की तरफ ड्रैग करके ले गई, फिर मैंने ब्राउन शेड लिया ब्लैक के साथ मैच करते हुए, फिर उसे आगे की तरफ ड्रैग करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डार्क शेड पहले पिक करने हैं और उन्हें आगे की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लीन करने के लिए मेकअप वाइप्स का यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं मेकअप वाइप ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी होता है माइसेलर वाटर कैरी करना, फिर उसमें क्यू टिप्स में वो थोड़ा वो यू नो एक्स्ट्रा स्टेप में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको इजीली स्ट्रोक्स ड्रॉ करनी है। आप रैंडमली कहीं पे भी बना देंगे, बट याद रखना है आईब्रोज के सबसे जो आगे का पार्ट है उसमें आपको बहुत ही कम स्ट्रोक्स देनी है, और आप आईब्रोज के एंड में जाते जाते अच्छे से स्ट्रोक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसील कर रही हूँ अगेन अपनी आईब्रोज को। अगेन आपको याद रखना है ऊपर और नीचे खाली ही आपको कंसील करना है, आपको ब्राउ का जो फ्रंट एरिया होता है उसमें कंसील नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह से कंसील कर लेंगे आप। एंड थोड़ा बहुत मैसी हो जाए तो डोंट वरी, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी भी कोई बहुत परफेक्ट आईब्रोज नहीं ड्रॉ होती, हर किसी से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट हम उसे कवर अप कर लेंगे लेटर ऑन। एंड आईब्रोज को कंसील करने के बाद मैं फ्लैट फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ, और जो भी अपना फाउंडेशन था उसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी इस ब्रश की हेल्प से। तो आपको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे रहा है, और उसके बाद जहाँ पे भी आपकी हेयर स्ट्रोक फाउंडेशन से या कंसीलर से जो भी आपकी मिस आउट हो गई थी तो उसको मैं अगेन ड्रॉ कर लूँगी जहाँ पे भी हुआ था। तो यस, मिस्टेक्स होती हैं सबसे, बट आपको कैरी ऑन करना है, कुछ भी हो जाए इट्स जस्ट अ मेकअप वाइप, करो और दोबारा ट्राई कर लो। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरी सेकेंड आईब्रो ड्रॉ हो गई है, ब्राउ बोन एरिया पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। सो यस, अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड आईब्रो की तरफ। सो जो थर्ड आईब्रो है वो फर्स्ट और सेकेंड से थोड़ी ज़्यादा डिफाइन लुक वाली आईब्रो है। यहाँ पे मैंने सबसे लाइटेस्ट ब्राउन शेड लिया है, आपको भी सेम यही करना है, सबसे लाइटेस्ट ब्राउन शेड लेके उसको एक आईब्रो की शेप ब्रश से आप कर लेंगे, देन क्लीन आउट कर लेंगे सेम माइसेलर वाटर क्यू टिप से या फिर मेकअप वाइप से। एंड यहाँ पे मैं ये ब्रश ले रही हूँ, लेटर ऑन मैं इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूँगी। एंड आपको इससे बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा पतली ब्राउ की जो हेयर के स्ट्रोक्स होती हैं वो ड्रॉ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिस रोज़ का सेम जो मैंने अर्लियर दिखाया था आपको ब्राउ टैटू, तो ये उसी से ही मैं डिप करके थोड़ा थोड़ा लेके मैं हेयर स्ट्रोक्स बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड आईब्रो से थोड़ा ज़्यादा डिफाइन लग रहे हैं इसके हेयर स्ट्रोक्स, तो ये एक्स्ट्रा आपको नेचुरल लुक देगी। एंड आपको याद रखना है आपको खाली नीचे का जो पार्ट होता है सिर्फ उसी को ही क्लीन आउट करना है एंड कंसील करना है, ऊपर का करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैसी लगेगा और बहुत अननेचुरल लगेगा, तो हम ऊपर का एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, एंड नीचे का हम खाली कंसील करेंगे एंड क्लीन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम लिया है ब्रश, फाउंडेशन वाला फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश। एंड यहाँ पे मैंने ब्राउ बोन एरिया पे हाइलाइटर अप्लाई करा है इन कलर्स का, बढ़ते हैं फोर्थ आई ब्रोज पे। एंड यहाँ पे मैंने कंसील करने से ही डायरेक्ट स्टार्ट किया है। आपको यस इसी मेथड से आप फोर्थ आईब्रो, ज़्यादा डिफाइन आईब्रो जो होती हैं वो ड्रॉ करनी है। तो ऊपर नीचे आप एक तरह की आई ब्राउन या कोई भी शेडो से आप डायरेक्ट कंसीलर लगाएंगे ऊपर और नीचे, और एक आपको एक ड्राइंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्ट्रोक्स बनानी है। ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है और सबसे ज़्यादा नेचुरल लगता है। सो यस, एंड यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लाइट कंसीलर की हेल्प से आप कैसे ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
सबसे जो लाइटेस्ट आपके पास कंसीलर है उसको आपको खाली अपने ब्रावोन एरिया जो होता है जहाँ से आपकी आईब्रो उठी हुई लगती है वहाँ सिर्फ उसी एरिया पे अप्लाई करना है, और पैट पैट करते हुए आपको फ्लैट फाउंडेशन जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उससे आपको ब्लेंड कर लेना है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी मेरी आईब्रो कितनी उठी हुई लग रही थी, एंड यहाँ पे हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट कर लिया है। सो दैट वॉज इट, ये हो गई आपकी 4 टाइप ऑफ आईब्रोज रेडी। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी फेवरेट आईब्रो कौन सी है जो इजी लगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय।